तो आगरा की पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा को अभी मेयर बने कुछ ही समय हुआ है और उनके एक फैसले की वजह से बीजेपी के हाईकमान तक को विपक्ष घेरने में लग गया है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मेयर का चुनाव जीतने वाली हेमलता दिवाकर कुशवाहा इन दोनों बड़ी बेचैन नजर आ रही है, क्योंकि जिस कर्मचारी की उन्होंने विधायक रहते भ्रष्टाचार की लिखित में शिकायत की थी, अब उसी कर्मचारी को उन्होंने अपना ओएसडी बना दिया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो चुका है। हेमलता दिवाकर कुशवाहा अपने ओएसडी की तारीफ करती नजर आ रही है और विपक्ष उन्हें इस मुद्दे को लेकर खूब खरी खोटी सुना रहा है। उसके खिलाफ विजिलेंस की टीम भी एक गठित की गई, लेकिन विजिलेंस की टीम को भी कुछ नहीं मिला। और अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि वो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है, वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है, ये इस बात का फैसला कोर्ट करेगा, मैं नगर निगम नहीं करेगी और बाकी हमारे विपक्षी पार्षदगण नहीं करेंगे। मेरे यहाँ रखा हुआ है मेरे ऑफिस में, क्योंकि उसके 15 साल का अनुभव है और मुझे लगता है कि उसके अनुभव से शायद मुझे लाभ मिलेगा, तो मैंने अपने पर्सनल अपने कैंप कार्यालय पर उसे रखा हुआ है। उनको उनके हिसाब से उनको लगता होगा कि भ्रष्टाचारी है, उन्होंने उनको कुछ पता चला होगा, लेकिन ये विषय जांच का है, जांच में वो निर्दोष पाएगा, विजिलेंस की टीम को कुछ नहीं मिला। न्यायप्रिय सरकार है और जहां भी इस तरह की कोई बात होती है उसमें अवश्य छानबीन की जाएगी, देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को न्यायपूर्ण व्यवस्था के की प्रक्रिया से पास हुए बिना जजमेंट सुना देना थोड़ा ठीक नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से समस्या वाला है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर। राकेश बंसल पूर्व में एक संविदा कर्मचारी आगरा नगर निगम में रहे हैं और उन पर कई भ्रष्टाचारी के आरोप लगे, उन आरोपों की जांच चल रही है। आगरा में पूर्व में हमारे नगरायुक्त जी थे, उन्होंने उनको हटाया और उनकी संविदा से नौकरी भी उनकी समाप्त की गई, लेकिन महापौर जी ऐसे व्यक्ति को जिनको मालूम है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, एक महाभ्रष्टाचारी है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अतीक माफिया का जो मर्डर हुआ है उससे भी बड़ा भ्रष्टाचारी है ये हमारी नगर निगम को पहले ही इतना घपला दे चुका है, तो आगे क्या उम्मीद करें? क्या ये मेयर साहब के लिए ये टटोलवा के इतना इतना भ्रष्टाचार करूंगा, इतना तुम्हें दूंगा, क्या हुआ?